नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल जेकेडी हेल्थ टिप्स पर, जहां आप पाते हैं दवाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी आसान व सरल भाषा में। आज की हमारी वीडियो है ऑफ्लॉक्सासिन 200 mg टैबलेट। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या है ऑफ्लॉक्सासिन 200 mg टैबलेट, किस काम में आती है, इसके यूजेज, डोजेज और साइड इफेक्ट क्या हैं। मिलेगी आपको इससे जुड़ी हुई सभी जानकारी, बने रहिए आप हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ऑफ्लॉक्सासिन 200 mg टैबलेट। दोस्तों ये एक फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक दवा है जो शरीर में बैक्टीरिया से लड़ता है, उनको मारता है, उनकी ग्रोथ को रोक देता है। ऑफ्लॉक्सासिन टैबलेट शरीर में किसी भी तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करता है, जैसे स्किन इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शन, प्रोस्टेट या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसको हम यूटीआई भी कहते हैं, यानी पेशाब के रास्ते होने वाले इन्फेक्शन या गुर्दे के इन्फेक्शन को भी ये दूर करता है। ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ को भी सही करता है। कान में अगर संक्रमण हो जाए यानी इन्फेक्शन हो जाए तो ऑफ्लॉक्सासिन टैबलेट दी जाती है, जैसे कान से पस आना। गले के संक्रमण में भी ये दवा काम आती है और टाइफाइड बुखार में भी ऑफ्लॉक्सासिन काम करती है और बुखार को ठीक करती है। दोस्तों यहाँ ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ऑफ्लॉक्सासिन टैबलेट को कॉमन कोल्ड या फ्लू या फिर अन्य कोई वायरल इन्फेक्शन में नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करती है, वायरल इन्फेक्शन को ये दवा ख़त्म नहीं करती है। दोस्तों ऑफ्लॉक्सासिन टैबलेट को 18 साल से कम उम्र के लोगों को नहीं लेना चाहिए, यहाँ डॉक्टर की सलाह बिल्कुल ज़रूरी है। दोस्तों आइए जानते हैं ऑफ्लॉक्सासिन 200 mg टैबलेट काम कैसे करती है। जब आप इस टैबलेट को लेते हैं तो ये आपके शरीर में जाकर बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है, यानी वो उसके डीएनए को इंटरफेयर करता है, जिसके कारण उसकी ग्रोथ रुक जाती है और फिर धीरे धीरे बैक्टीरिया की मौत हो जाती है और फिर आप ठीक होने लग जाते हैं। दोस्तों एक बात यहाँ ध्यान रखने योग्य है कि कोई भी एंटीबायोटिक दवा का बिना कारण से उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भविष्य में अगर आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो फिर हो सकता है कि ये दवा काम ना करे, इसलिए ये दवा हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं ऑफ्लॉक्सासिन 200 mg टैबलेट के डोजेज की। दोस्तों डॉक्टर इसे 200 mg से लेकर 400 mg तक हर 12 घंटे पर पेशेंट को देते हैं, लेकिन ये इसकी दवा की डोजेज और इसकी जो लेंथ होती है ये इस पर भी डिपेंड करती है कि पेशेंट की मेडिकल कंडीशन कैसी है और बॉडी इसको कैसे रिस्पॉन्ड करती है। तो ये डोजेज सिर्फ डॉक्टर ही आपको बताएंगे एग्जैक्ट कितनी लेना है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके ब्रांड की। तो मार्केट में कई नाम से ऑफ्लॉक्सासिन टैबलेट मिल जाती है, जैसे ऑफ्लॉक्स 200 mg टैबलेट, एल्थोफ्लॉक्स 200 mg टैबलेट, ऑफ्लोफाइन 200 mg टैबलेट है, ऑल्फी 200 mg टैबलेट, रोनीफ्लॉक्स 200 mg टैबलेट है, जो केयर 200 mg टैबलेट और ऐसी बहुत सारी टैबलेट है जिसमें आपको ऑफ्लॉक्सासिन टैबलेट मिल जाएगी आपको। दोस्तों अब बात करते हैं ऑफ्लॉक्सासिन 200 mg टैबलेट के इंटरेक्शन की, जो कि दूसरी दवाओं के साथ हो सकता है। अगर कोई भी मेडिसिन अगर दूसरी दवा से मिलकर यानी इंटरेक्ट करती है तो वो उसके प्रभाव को कम कर देती है या फिर वो बॉडी में उससे कुछ नुकसान होते हैं। तो ये जानते हैं कि ऑफ्लॉक्सासिन किन किन दवा से इंटरेक्ट करती है, जैसे ब्लड थिनर दवा, जैसे जो ज़्यादातर हार्ट मरीज को ये दवा दी जाती है, ब्लड थिनर यानी खून को पतला करने वाली दवा होती है, जैसे एसिनोकोमेरोल, वारफिन, स्ट्रोंटियम। ये दवा अगर कोई ले रहा है ऑफ्लॉक्सासिन के साथ तो ये डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। और दोस्तों ऑफ्लॉक्सासिन लीवोफ्लॉक्सासिन से काफ़ी मिलती जुलती है, इसके जो इफ़ेक्ट होते हैं भी सेम वही होते हैं। तो अगर कोई लीवोफ्लॉक्सासिन ले रहा है तो वो ऑफ्लॉक्सासिन ना ले, यहाँ पर डॉक्टर की सलाह बेहद ज़रूरी है, क्योंकि दोनों में सेम प्रॉपर्टी होती है। दोस्तों अब बात करते हैं ऑफ्लॉक्सासिन 200 mg टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट की, यानी कॉमन साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो इसके ये हैं, जैसे एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द होना, डायरिया होना, कॉन्स्टिपेशन होना, नौजिया होना, हेडेक होना यानी सरदर्द, और डिजीनेस होना यानी सर चकराना।
तो दोस्तों अगर आपको ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट नज़र आते हैं, आपको ऐसा फील होता है, तो आप डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। तो दोस्तों ये रहा ऑफ्लॉक्सासिन 200 mg टेबलेट का रिव्यू। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न, आपके मन में कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम जल्द से जल्द आपको जवाब देंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।